नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। असी पंजाबी हैं और पंजाबी घरों में परौंठे रोज बनते हैं और अलग अलग टाइप के बनते हैं। देखो, पराठे की एक लंबी लिस्ट हमने बना रखी है। आलू के पराठे हमने बना दिए, प्याज के हमने बना दिए, मूली के हमने बना दिए, गोभी के हमने बना दिए, पनीर के हमने बना दिए, चीज़ के हमने बना दिए। अब एक पराठा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है लच्छा पराठा, लेकिन उस लच्छे पराठे में अगर प्याज हो मसाले वाले तो और मज़ा आ जाता है। साथ में थोड़ा सा मक्खन, रायता, ओए होए होए, नाले चाय, मतलब मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। आज वही लच्छेदार प्याजी परौठा बनाते हैं, बढ़िया वाला। अभी प्याज का पराठा जो बना रहे, इसमें आटा और मैदा दोनों डाल रहा हूँ मैं। आप चाहें तो सिर्फ आटे का बना सकते हैं। मैदा डालने से सिर्फ थोड़ा सा जो है डो है ना, लचीला हो जाता है और फिर बढ़िया बनता है, मज़ेदार बनता है। सो 1/4 मैदा और बाकी आटा। चलिए सबसे पहले डो बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1.5 कप आटा और 1/2 कप मैदा। नाले पाव जी, थोड़ा या लून, मतलब थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब पराठे का जो डो होता है ना, उसमें मोइन वोइन नहीं पड़ता, वो सीधा लचीला इसको गूंदना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठे लचीले नहीं बनेंगे। सॉफ्ट डो बनना है। कुछ प्याज के पराठे बनते हैं जिसमें चौप प्याज को आटे में, जैसे आलू के पराठे भरते हैं वैसे भरवा प्याज के पराठे बनते हैं, वो भी मज़ेदार। ये वाले प्याज के पराठे थोड़े अलग हैं। जी हाँ, लच्छेदार प्याज के पराठे हैं। इसके लिए अनियन को सबसे पहले पतला पतला काटना है। पतला इसलिए काटना है ताकि वो लच्छों के साथ अड़े नहीं, उलझे नहीं, और बढ़िया सा लच्छा भी बन जाए और प्याज भी पक जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसे पतला पतला काट लिया है। इसके अंदर अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, साथ में मैं डाल रहा हूँ अजवाइन, कलौंजी, थोड़ा सा ये चाट मसाला, चॉप किया हुआ धनिया, चुटकी भर गरम मसाला पाउडर। अब प्याज में जब भी नमक और चाट मसाला डालोगे तो प्याज पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे मैरिनेट होने दो 10 से 15 मिनट। बढ़िया से मैशी हो जाएंगे तब इसका पानी निचोड़ लिया जाएगा और फिर इसके पराठे बनेंगे। पूछो क्यों, अगर गीले प्याज के बना दिए तो फट जाएंगे ना पराठे, समझो, ज़रा समझो। तो यहाँ पर प्याज जो है इसे छोड़ दिया 10-15 मिनट तक। अब थोड़ा दम लगा के इसमें से पानी निकाल देंगे। आटा बढ़िया से सॉफ्ट गूंदा हुआ है, अब इसकी लोई निकाली जाए। थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे क्योंकि पराठा हमें पतला बेलना है। अब मैं आपको 2 तरीके से ये लच्छा पराठा बनाना दिखाऊंगा। एक थोड़ा सा जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल में लच्छा बनाते हैं, आसान है वैसे, आप अगर स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर उसमें मुश्किल पड़ रही है तो दूसरा एक आसान तरीका भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल है वो दिखा देता हूं। इस तरह से आटे का लोई को हमने पतला बेल लिया है। अब उस पर डालेंगे 1 चम्मच तेल, तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और फिर प्याज को अच्छी तरीके से फैला देना है। मेक श्योर कि प्याज के लंप्स कहीं ना रह जाएं, क्योंकि अगर लंप्स रह जाएंगे तो वहां पर जो है वो पराठे को फाड़ देगा। अच्छी तरह से प्याज को स्प्रेड कर दिया है। अब आराम से हल्के हल्के, जैसे हम लच्छे पराठे के लिए प्लेट्स बनाते हैं वैसी प्लेट्स बना दें। लास्ट प्लीट को बड़े ध्यान से बंद करना है, उसके ऊपर से थोड़ा प्याज निकल रहा है, कोई बात नहीं, निकाल के साइड कर दीजिए, दूसरे पराठे में काम आ जाएगा। अब इसे हल्के हाथ से यूं गोल गोल घुमा देना।
अब ये लच्छा बढ़िया तैयार हो गया है, इसे 2-4 मिनट रेस्ट करने दीजिए ताकि आराम से बिल पाए। दूसरे तरीके में भी पहले गोल रोटी बेल लेंगे बड़ी सी, उसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से प्याज को फैलाना है। लेकिन अब इस एनवलोप को जैसे बंद करते हैं वैसे हम इसे बंद करेंगे। तो एक तरफ से हमने बंद किया, दूसरी तरफ से ये रोटी को बंद किया। अब ये बंद होके एक लिफाफे के जैसा बन गया। अब इस लिफाफे के बीचों बीच कट मारना है, साइड्स को नहीं काटना है। अब दोनों कटे हुए साइड्स को इकट्ठा किया और वैसे ही पराठे की तरह रोल कर दिया। ये तरीका इजी है, लच्छे इसमें भी निकलेंगे लेकिन उसमें लच्छे बढ़िया ज्यादा निकलेंगे। अब हल्के हाथ से इसको बेलना है, थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए दोनों तरफ, बस वैसे ही जैसे पराठे बेलते हैं, आलू का पराठा हो चाहे प्याज का पराठा। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ज़्यादा जाएगा, डोंट वरी, प्याज में पानी है, मॉइस्चर है, वो उसे सोख लेगा। अब इसे गर्मा गर्म तवे पे पका दिया जाए। और फिर उसको एक साइड पकाने के बाद थोड़ा सा लगाएं तेल, बटर या घी, श्रद्धा है आपकी। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी पलट के लगाएं तेल, बटर या घी, श्रद्धा फिर से आपकी। और ये निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं बाहर से एकदम क्रिस्पी है, कैसे लच्छे बिल्कुल छूट रहे हैं, इसके मज़ेदार टेक्सचर दिख रहा है। अब वैसे तो जी ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, पराठा है, इसको मक्खन के साथ खाओ, चाय के साथ खाओ, अचार के साथ खाओ या फिर दही के साथ खाओ। लेकिन एक तड़के हुए दही की नई प्रकार की रेसिपी आपको देता हूँ। ये रायता बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इस पराठे के साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो दाल चावल के साथ भी अच्छा लगेगा। बहुत नई रायते की रेसिपी है, जरा नोट कर लो भैया। ये दही को अच्छे से पहले फेंट के साइड करना है, उसमें डालना है थोड़ा सा काला नमक। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा राई का दाना, इसको क्रैकल कर लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 चॉप टमाटर। हल्का सा नमक, हल्की सी चीनी, थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिली। अब ये टमाटर जो है हल्का पका लेंगे, इसको हल्का सा मैश करना है, क्योंकि वो मैश करके वो टमाटर का जो फ्लेवर है ना बड़ा अच्छा हो जाता है और वो दही के साथ मिलके मज़ेदार हो जाएगा। अब ये हल्का सा मैश ही हो गया टमाटर, अब इसे निकालें और जो दही हमने फेंटा है ना उसके अंदर डाल दो भैया, मिक्स करना है, हल्का सा हरा धनिया डालना है एंड रायता तैयार। भैया गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे तैयार हैं, साथ में रायता तैयार है, अब रायते के साथ इसमें डुबाओ और खाओ। वेल, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सारी रेसिपीज में आपके जो कमेंट्स आते हैं आप हमें इनकरेज करते हैं, थैंक यू शेफ, बहुत अच्छी रेसिपी थी, हमने बना के देखी, हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर करी। ये भी वैसी ही रेसिपी है, ज़रूर से आपको पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। जाइए बनाइए और अपने परिवार में और दोस्तों में खुशियाँ बांटिए।
खाने में है लाजवाब, मतलब मजाक की बात नहीं कर रहा। ये जो प्याज है ना वो अंदर गल सा गया है, मज़ेदार टेक्सचर दे रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला। बाहर पराठा क्रिस्पी है, लच्छेदार है, गर्मा गर्म चाय है, साथ में रायता है, मतलब मज़ा प्रो मैक्स है इसमें, सीरियसली। अब अगर प्रो मैक्स मज़े वाले प्याज पराठे खाने हैं तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इस डिश को कर लो लाइक और अपने दोस्तों में कर लो शेयर। बना दो इसको एकदम तहलका पराठा। सी यू सून।